और ये देखो ये हमारी सोसाइटी है और ये गौरव की फेवरेट रोड है, यहाँ पे हमारे लाइक ड्रीम हाउसेस है। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको लेमिंगटन स्पा का सबसे ही टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो भाई आप लोगों ने इंडिया का तो पुलिस स्टेशन देखा ही होगा, मैं आपको यूके का पुलिस स्टेशन दिखाता हूँ जरा। हेलो गाइस, स्वागत है नई वीडियो में। फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अपना नेबरहुड के बारे में बात करने वाले हैं। काफी लोगों ने हमसे पूछा है कि भाई अपना नेबरहुड दिखाओ, कैसी लगती है यहाँ पे सोसाइटीज वगैरह कैसी लगती है, थोड़ा वो दिखाते हैं, थोड़ा अपना जो लेमिंगटन स्पा है आपको वो दिखाते हैं और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि भाई हमें मतलब यूके में रहना क्यों पसंद है, कुछ अच्छी बातें डिस्कस करते हैं यूके के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो आज हम थोड़ा वॉक करने के लिए निकले हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी ऐसे लग रहा है कि क्लाउडी है लेकिन। और ये देखो ये हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे नए वाले घर ऐसे बने होते हैं कुछ इस टाइप के, नई नई सोसाइटी लग रही है और ये बिन गिरा हुआ किसी का हवा से। जो यहाँ पे जितनी भी एस्टेट्स होती है, जो घर एक ब्लॉक में बनते हैं, एस्टेट बोलते हैं उसको, तो ये हमारी एस्टेट है। तो यूके में क्या होता है, जो जहाँ पे भी आपका घर लोकेटेड है, चाहे जो मेन मार्केट है वो आपके घर से दूर हो, बट एक कन्वीनियंस मार्केट आपके घर के पास ज़रूर होती है। छोटा कन्वीनियंस स्टोर होगा, आपको दूध ब्रेड अंडे चाहिए और कुछ हो ना हो, एक लोकल पब ज़रूर होता है। तो भाई वो सामने देखो पब है और ये यहाँ पे लोकल टेक अवेज और थोड़ा एक कन्वीनियंस स्टोर बनी हुई है। हर एक चीज़ के बारे में सोच रखा है यहाँ पे, हर एक चीज़ आपके घर से लोकली लोकेटेड होगी, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस पे आप कुछ, अगर छोटा मोटा कुछ खाना है, टेक अवेज है, ड्रिंक चाहिए, पब जा सकते हो, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। तो हम यहाँ वॉक करने आते हैं बहुत बार और हमारे घर के पास है ये, और ये गौरव की फेवरेट रोड है, यहाँ पे हमारे लाइक ड्रीम हाउसेस है। मतलब इस वाली रोड पे ना बड़े मस्त मस्त घर बने पड़े हैं और हम यहाँ पे वॉक करने जरूर आते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको थोड़े बहुत घर। और यार लोग बोलते हैं कि यार आपको यूके क्यों पसंद है, तो पता है यूके का सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है यार, यहाँ पे जो वेदर है ना वो बहुत एक्सट्रीम नहीं है। हमें लगता है जैसे आप इंडिया में देखते हो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और कनाडा में काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो यहाँ पे गर्मी भी ठीक है और सर्दी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा तपती गर्मी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा स्नो भी नहीं पड़ती। तो उस हिसाब से हमें यूके का वेदर जो है वो काफ़ी सही लगता है। कभी कभी ग्लूमी हो जाता है क्योंकि कभी रेन ज़्यादा होती है यहाँ पे, लेकिन ठीक है यार, एडजस्टेबल है और एडजस्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि भाई हमें इसलिए भी ये पसंद है यूके। तो यहाँ पर देखो ऐसे लंदन की तरह घर बने हुए हैं इस वाली रोड पे, वाइट कलर के वाइट हाउसेस हैं और इतने प्रिटी लगते हैं। हाँ। इनका जो साइज है लाइक ये बहुत पुराने हैं, लाइक एक, लेकिन लग नहीं रहा इतने पुराने क्योंकि बाहर से पूरा रेनोवेट हुआ पड़ा है। हाँ। और इस साइड पे कुछ घर हैं जो बहुत ही बड़े बड़े, वो सामने जैसे घर है काफी बड़ा है देखो, और उसके आगे ड्राइववे भी काफी बड़ी है, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हो जाए, बस गाड़ियां खड़ी होती। और ये इस रोड को हम ऐसे बोल सकते हैं मिलियन पाउंड वर्थ रोड है ना, यहाँ पे हर घर काफी एक्सपेंसिव हाउसेज है यहाँ पे, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा बहुत सारा हम घर खरीदेंगे यहाँ पे। हाँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार ये व्हाइट कलर के घर। इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसके आगे ना ड्राइववे ये है बस, रोड के ऊपर आप पार्क कर सकते हो गाड़ी। तो जो नेक्स्ट चीज जो हमें यूके के बारे में बहुत पसंद है वो है यहाँ पे इतनी सारी जगह है एक्सप्लोर करने की। यूके इटसेल्फ में काफी जगह है, लाइक अगर आपको सब कुछ पास पास में है, अगर माउंटेन जाना है माउंटेन्स भी पास में है, बीच जाना है बीच भी पास में, दो तीन घंटे की ड्राइव पे कुछ भी है ना, कंट्री साइड जाना है कंट्री साइड चले जाओ, एक दो घंटे की ड्राइव में हर एक चीज अवेलेबल है। तो जो यूके की प्रॉक्सिमिटी है बाकी वर्ल्ड से वो बहुत अच्छी है, बीच में लोकेटेड है, कनाडा जाना है वो भी पास है, अमेरिका भी पास है, इंडिया भी पास है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ये देखो घर बने हुए, इसके आगे ये जो बोर्ड लगे होते हैं ना, इसका मतलब है ये टू लेट, मतलब यहाँ पे रेंट के लिए अवेलेबल है, ये लेट के लिए अवेलेबल है, तो आप घर के आगे बोर्ड्स लग जाते हैं। मतलब वॉरिकशायर की बात की जाए ना, वॉरिकशायर में लेमिंगटन स्पा जो है सबसे टॉप पे आता है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सोसाइटीज अच्छी है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू रेज योर किड्स। उसी के साथ साथ हम एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विच इज एजुकेशन। तो एजुकेशन भी यहाँ पे जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया, बच्चों के लिए 5 साल से लेके 18 साल तक फ्री एजुकेशन ऑफर करते हैं। तो यार जब भी हम फ्यूचर में किड्स प्लान करेंगे तो हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन के बहुत पैसे लगते हैं और यहाँ पर जो है यार यहाँ पे फ्री है एजुकेशन, तो ये भी बहुत एक बढ़िया चीज़ है यहाँ पे आने का, एक बहुत ही अच्छा रीज़न है
ओके okay. उसी के साथ साथ यहाँ पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है, लाइक सारी बड़ी बड़ी, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेबरहुड की बात करी जाए एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, तो जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे पास में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल और नर्सरी जरूर होंगी, ताकि आपको वॉकिंग डिस्टेंस में आप अपने बच्चों को भेज सको स्कूल। सारी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है, मतलब इतना है, क्योंकि और कंट्रीज में क्या है, दूर दूर है सारा यार, इतनी ड्राइव करके जाना पड़ता है, छोड़ने जाओ बच्चों को। और यहाँ का सबसे बढ़िया पॉइंट यही है यार, घर के आसपास एकदम लोकेलिटी, मतलब थोड़ी बहुत शॉप्स हैं, बार या पब है, और कैनाल भी हर जगह मुझे दिखी जाती है कहीं ना कहीं, और स्कूल है, और साथ में वो एक और पॉइंट हम आगे बताने वाले हैं जीपी का। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको लेमिंगटन स्पा का सबसे ही टूरिस्ट अट्रैक्शन, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया लगता है, हम यहाँ पे आ जाते हैं और अपना नेक्स्ट फेवरेट जगह है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है इंडिया में ना आप इन जगहों पे जाते हो दूर दूर ड्राइव करके, और ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। फोटो सेशन के लिए सबसे बढ़िया स्पॉट है यहाँ का, लव लॉक्स लगे हुए हैं देखो। तो यार अब हम नेबरहुड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नेबरहुड में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हेल्थ केयर भी तो आती है, कि भाई यहाँ पे हेल्थ केयर का ध्यान रखना। अब कई लोग NHS को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं है अच्छी, बट हमें लगता है यार और कंट्रीज के हिसाब से NHS की सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, मतलब GPs जो हैं वो आपके घर के बिल्कुल पास होते हैं, कहीं ना कहीं आपके वॉकिंग डिस्टेंस होता है GP, मतलब सर्जरी पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। हो सकता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ओवरऑल अगर NHS की सर्विसेज देखी जाए तो यार काफ़ी अच्छी है, हेल्थ केयर जो है मुझे लगता है काफ़ी सही है यार UK में। तो एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, कि यहाँ पे ना जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको इतना उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। आप कहीं पे भी रहते हो, किसी भी नेबरहुड में रहते हो, एक लोकल पार्क ज़रूर होगा, ताकि आप अपने बच्चों को लेके जा सको या एक वॉक करने जा सको। इवन आपके पास गार्डन नहीं है, इट डजंट मैटर, आपके पास लोकल पार्क ज़रूर होगा, आप नेचुरल ब्यूटी इंजॉय कर सको। तो हमारे घर के पास इतना बड़ा ये जेफसन गार्डन पार्क है, जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज भी है। यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल बोल सकते हैं इसको, है ना, जो उसके अंदर वाटरफॉल जो दिखाया था, उसके अंदर अपना बोटिंग चलती रहती है, यहाँ पे बोटिंग होती है, अभी तो थोड़ी बंद कर रखी है। ये पार्क बहुत फेमस है, हमारी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे। हाँ, आपको डक की आवाज आ गई होगी, लास्ट वीडियो में भी डक की आवाज आ रही थी। जैसे कि हमने बताया कि इतना कुछ घूमने के लिए आपके डोर स्टेप पे ही है, 10 मिनट की वॉक में हम यहाँ पे पहुँच गए। तो जब गौरव के पेरेंट्स आए थे ना, हमें बड़ा अच्छा लगता था, वो खुद यहाँ पे आ जाते थे एक्सप्लोर करने, वॉक करने, क्योंकि टाउन सेंटर इतनी पास है, वो टाउन सेंटर जा सकते थे, तो काफ़ी इंडिपेंडेंस उनके लिए काफ़ी सारी इंडिपेंडेंस हो गई थी, कि भाई पैदल अपना चले जाओ। वीकडेज में तो हमारी जॉब होती है, तो वो लोग आए थे अपना पैदल आ जाते थे पार्क घूमने, और थोड़ा टाउन वगैरह घूम लेते थे। यहाँ पे ऐसे तो है नहीं, साथ वालों के घर चले गए, बातें बूते करने चले गए। तो ठीक है, वो यहाँ पे आके ना बोर नहीं हुए, और हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं थे, वो अपने आप निकल जाते थे वॉक करने, कभी गुरुद्वारे चले गए, कभी मंदिर चले गए, कभी पार्क आ गए। सो दैट्स रियली गुड कि आपके घर के आस पास सब कुछ है। तो भाई आप लोगों ने इंडिया का तो पुलिस स्टेशन देखा ही होगा, मैं आपको UK का पुलिस स्टेशन दिखाता हूँ जरा। तो ये सामने जो है ये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है, वॉरिकशायर पुलिस की, देख रहे हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये, देखो पुलिस लिखा हुआ है। आई थिंक हेडक्वार्टर्स है, ये काफी बड़ा है, हेडक्वार्टर्स है ना। हाँ, काफी बड़ी बिल्डिंग है, और मुझे ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, कि पुलिस को देख के ना आप कभी घबराते नहीं हो। हाँ, हमेशा आप सेफ फील करते हो, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और अगर पुलिस आई है, दे आर हियर टू हेल्प अस। तो भाई ये है टाउन सेंटर मेन, और यहाँ पर इस साइड पे आते हैं मेन इसके एस्टेट एजेंट्स। हाँ, हर एरिया में के कुछ लोकल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, आपको घर खरीदना है, बेचना है, रेंट पे देना है या रेंट पे लेना है, तो ये सारे लाइन से यहाँ पे एस्टेट एजेंट्स है, हाई स्ट्रीट एस्टेट एजेंट, जो कॉर्नल्स है सामने, न्यू मैन है, एल चॉप, ये जो भी है, RA बेनेट, ये सारे स्टेट एजेंट्स हैं, ये सब आपकी हेल्प कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको घर लेना हो, लेमिंगटन स्पा लेना हो, कहीं भी लेना हो, हर जगह के अपने अपने होते हैं। और ये लेमिंगटन स्पा का ऐसे एरिया जहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लासी गुआनाज है, क्रीम्स है, टर्टल बे, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं। बट यार वो सब छोड़ो, बट बहुत ही प्रिटी जगह है। हाँ, इतनी सुंदर स्ट्रीट देखो कितनी बढ़िया है,
दोनों साइड पे रेस्टोरेंट है, रीजेंट कोर्ट लिखा हुआ है। आपने और भी लोगों की व्लॉग्स में देखी होगी, काफी सारे लोग यहाँ पे आजकल घूम रहे हैं, स्पेशली आते हैं घूमने हाँ। के लिए। तो ये देखो क्रीम सबसे बढ़िया एक कैफे है जहाँ पे शेक्स वगैरह मिलते हैं और क्या मिलता है, वॉफल। बट उसी के साथ हम बात करते हैं कि हमें यूके की जो फूड डाइवर्सिटी है, फूड ऑप्शंस यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के फूड ऑप्शंस हमने ट्राई किए हैं। जब हम इंडिया में थे हमने थाई फूड या मैक्सिकन फूड, मैक्सिकन जापानीज ये सब ट्राई नहीं किया हुआ था। यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने लग गए इतने सारे फूड्स। हाँ, यहाँ पे आके बहुत चीजें हमने एक्सप्लोर की है और हमें अच्छा लगा कि हाँ अरे मैक्सिकन फूड हमारे जैसा ही है, हमें टेस्ट पसंद आया। सो इट्स रियली गुड ऑप्शंस। जो भी आप यहाँ पे लोग आ रहे हो जरूर जो ग्लोबल फूड ऑप्शंस है वो जरूर एक्सप्लोर। और अपनी फेवरेट वो डिश एक बार बता दो लोगों को वागामामा रेस्टोरेंट की। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है वागामामा विच इज जापानीज एंड माई फेवरेट डिश इज चिकन कात्सु करी, और जो सेकेंड फेवरेट है वो है चिकन फायर क्रैकर। स्पाइसी होता है ना वो इसलिए। जहाँ पे भी आप रह रहे हो, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं, बट जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे एक टाउन सेंटर होगा जहाँ पे हाई स्ट्रीट शॉप्स होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, बार्स होंगे, पब्स होंगे, और एक रिटेल पार्क होगा जहाँ पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना ट्रैफिक काफी है लेकिन फिर भी हर कोई अपने सिस्टमैटिक हिसाब से चल रहा है और कहीं कोई हॉर्न की आवाज नहीं है, कहीं कोई शोर नहीं है। तो ये है यहाँ का कैथीड्रल लेविंगटन स्पा का, कितना बड़ा है आप देख सकते हो। अब चर्च की बात हो रही है तो यूके की डाइवर्सिटी की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे जो सबसे अच्छी यहाँ पे बात लगती है वो ये है कि यहाँ पे बहुत डाइवर्स कल्चर है, दूर दूर से अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने कम्युनिटीज़ फॉर्म की हुई है। इट डजेंट मैटर आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आप कभी अकेले नहीं होने वाले, आपको अपनी कम्युनिटी के लोग जरूर मिलेंगे, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, चाहे कोई भी कंट्री से हो। और मुझे और ये अच्छा लगता है कि हमें भी दूसरे लोगों से, दूसरी कंट्रीज के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एब्सोल्युटली। अच्छा तो सबसे लास्ट पॉइंट जो हमें बहुत ही सही लगती है यहाँ पर वो है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी, आप घर से बाहर निकलते हो, इंडिया में निकलते हो तो यार बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस, आपको टेंशन लगी रहती है एक मिडिल क्लास पर्सन को या कॉमन मैन को। यहाँ पर ऐसा नहीं है यार, आप घर से बाहर निकलो, आप अपना करियर पे ध्यान दो और अपनी फैमिली पे ध्यान दो, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पर, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है। आपने देखा ही होगा आज हम ऐसे वॉक करने निकले, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। और वर्क की बात करें तो यार 9 to 5 है, आपने हमारी डे इन लाइफ व्लॉग देखी होगी और वीडियो, और उसमें 9 to 5 हमारा काम होता है, उसके बाद अपना फैमिली को टाइम दो, जिम जाओ, अपने करियर पे ध्यान दो और जो आपको दूसरी चीज़ें करनी है उस पे ध्यान दो, तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें होती हैं यार, इन चीज़ों से काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलती है बंदे को अब्रॉड में रहने की। तो हमने सोचा चलो आपसे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो होपफुली यार आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती होगी, और आज हमने सोचा कि थोड़ी वॉक कराएं, वही जो भी हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें लगता था ये चीज़ें हमें यूके के बारे में अच्छी लगती है, हमने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं शायद उनको थोड़ी क्लैरिटी आए दिमाग में कि यार हाँ हम सही डिसीजन ले, और उसी के साथ थोड़ा अपना नेबरहुड दिखाएं। काफी लोगों ने बोला अपना नेबरहुड दिखाओ, कहाँ आप रहते हो, हाँ। कैसी जगह है, कैसे घर है वहाँ पे, क्या सोसाइटी है। तो हमने कहा चलो यार एक वीडियो बनाते हैं और साथ में कुछ बातें भी करते हैं। तो होपफुली यार आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। यस, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।